दोस्तों आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बड़े से पैकेट को और उस पैकेट के अंदर होगा बोया का M1 माइक्रोफोन। ये जो वीडियो है ये एक अनबॉक्सिंग वीडियो है और हमारे चैनल का जो है पहला अनबॉक्सिंग वीडियो होगा। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ वो पैकेट। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये इतना बड़ा पैकेट जो है मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो मैंने किया था अमेजोन पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास फाइनली ये बॉक्स जो है आ चुका है और इसे मैंने खुद परचेज किया है ऑनलाइन। तो अभी जो है इस वीडियो को मैं अनबॉक्सिंग देने वाला हूँ आपको कि क्या ये माइक्रोफोन आपके लिए है या नहीं, ये कितना काम करता है एक नॉइस को मतलब कैंसिलेशन करने में या फिर वीडियो का क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। अगर आप एक माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं या फिर अगर आप एक यूट्यूबर है तो आपके लिए ये माइक्रोफोन है या नहीं, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक अगर देखते हो तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये माइक्रोफोन आपके लिए है या नहीं। तो चलिए फटाफट इसको हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट है और ये माइक्रोफोन कैसा है। 2019 के मुकाबले 2020 में कंपनी ने इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, सारा डिटेल्स वीडियो में बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आपको मिलेगा। तो मैं इसका रैप खोलता हूँ जल्दी से जल्दी। ये मैंने इसका अनबॉक्स किया और इसके अंदर आपको एक बॉक्स मिलता है। अभी मैं इसको इस रैप को हटाता हूँ, थोड़ा सा अनबॉक्स करते हैं फटाफट, ठीक है। उसके बाद एक मिनट। देख सकते हैं ये है माइक्रोफोन बोया का M1, ठीक है गाइस। और अभी जो है यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट का पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ये है JSD Pro और इसका देख सकते हैं प्राइस 1650 रुपये। लेकिन मुझे कितना पड़ा है इसको लेने के लिए, क्या मैंने कितने प्राइस में लिया है, पूरा डिटेल का इस वीडियो में आगे मैं बताऊँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर स्क्रैच करना पड़ेगा, ठीक है, इसको स्क्रैच करना पड़ेगा। देख सकते हो ये जो नंबर है ये है इसका प्रोडक्ट नंबर, आप इसको नेट पर भी चेक कर सकते हो ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। वेल, इसको हम मैं जल्दी से जल्दी ओपन करता हूँ और इसको मैंने खोला, इसको भी खोला और इसके अंदर फाइनली ये मिलता है आपको, ठीक है। और अंदर देखते हैं क्या क्या और है। ये है कुछ मैनुअल्स, पेपर वर्क, इसमें आपको डिटेल्स दिए हैं कि आपको उस बारे में पढ़ना है कैसे काम करेगा। इसके बाद वारंटी कार्ड। अब ये है मेन माइक आपका, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलता है ये माइक, ये है बोया का M1 माइक। ओके गाइस,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अभी अनबॉक्सिंग कर दिया है बोया M1 माइक को, और अभी जो आप मेरा साउंड सुन रहे हैं ये है डायरेक्टली मेरे फोन के इंटरनल माइक का साउंड। अभी मैं स्विच करूंगा बोया M1 पे और देखते हैं इसका साउंड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी इस माइक का हम तरह तरह से टेस्ट करेंगे कि शांत वाली जगहों पे कैसा मेरा सेटअप जो है, ये इस सेटअप पे आपको साउंड कैसा मिल रहा है, थोड़ी भीड़ वाली जगहों पे जाएंगे वहां पे देखेंगे कि साउंड आपको कैसा मिल रहा है, और हम थोड़ा आउटडोर भी शूट करेंगे, थोड़ा हम देखेंगे आउटडोर में इसका साउंड टेस्ट करेंगे कि कैसा आपको साउंड मिल रहा है। आपको प्रॉपर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन इस माइक के बारे में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है और आपका सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए फटाफट हम स्विच करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक जरूर कर देना। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि अभी मैं आउटडोर आ चुका हूं और यहां पे आप देख सकते हैं पीछे रोड है और कितनी गाड़ियां जा रही है, तो इसमें आपको अभी क्या साउंड क्वालिटी मिल रहा है आप खुद ही इसमें देख सकते हैं कि इसका क्वालिटी क्या है। अभी जो मैंने इंडोर शूटिंग दिखाया था साउंड और यहाँ आउटडोर में जो साउंड क्वालिटी है क्या डिफरेंस है ये आप खुद ही जज कर सकते हैं। कितनी गाड़ियाँ चल रही है इसमें आपको क्या क्वालिटी मिल रहा है साउंड का ये आप खुद ही जज कर सकते हैं। इस माइक का एक और बात है कि अगर आप जब कुछ भी बोलते रहोगे तो ये आपका साउंड लेगा, और जैसे ही आप चुप हो जाओगे तो ये नॉइज लेना स्टार्ट कर देगा। जैसे अभी मैं चुप होकर आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या साउंड है। जब मैं चुप होऊंगा तो ये नॉइज देना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही मैं बोलूंगा तो ये आपका साउंड को कैच करना ये स्टार्ट कर देगा। तो ये है इस माइक का क्वालिटी। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये था कंप्लीट बोया M1 का जो है रिव्यू, और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा कंपैरिजन के साथ और साउंड क्वालिटी के साथ अलग अलग जगहों पर मैंने आप लोगों को टेस्ट भी दिया, जिसमें आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये माइक जो है कैसा है, क्या आप इस माइक को लेना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं रुक जाओ, क्योंकि इस माइक का जो है बहुत सारा फेक प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, तो अब आपको ये समझ नहीं आएगा कि इसका कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। बाय द वे ये जो है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपको सेम यही ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदना है तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर डायरेक्टली इसी ओरिजिनल प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और इसको टेस्ट कैसे हम करेंगे कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, तो देखो इसको ओरिजिनल टेस्ट करने का आप यहां पे देख सकते हो बोया का जो है खुद का यहां पे QR स्कैनर कोड यहां पे लगा हुआ है, ठीक है इस जगह। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो छोटा सा नंबर है 16 डिजिट का, इसको स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करने के बाद अपने फ़ोन से QR स्कैनर ऐप से आपको इसको स्कैन करना है, ठीक है। जब आप इसको स्कैन करेंगे तो ये एक लिंक देगा, और वो लिंक क्या है आपको इसके मेन वेबसाइट पे लेके जाएगा, बोया के वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरफुल जो नंबर है ग्रीन रेड कलर का, या 16 डिजिट का जो नंबर है, ये सेम नंबर इसके वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट नंबर है, ठीक है। जब ये नंबर आपको वहां पे सेम देखने को मिलेगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। बाय द वे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमें चाहे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।